जादुई कुत्ता। रघुनाथपुर नाम के गांव में कबीर और रमेश नाम के दो दोस्त रहते थे। कबीर को जानवरों से बहुत प्यार था, जबकि रमेश को जानवरों से बहुत नफरत थी। वो हमेशा जानवरों को तकलीफ पहुंचाता था। एक दिन कबीर और रमेश दोनों कार में पास के गांव जा रहे थे कि अचानक रास्ते में उन्हें एक बहुत ही प्यारा सा कुत्ते का बच्चा नजर आता है। कबीर कार रोककर उस कुत्ते के बच्चे को कार में ले लेता है। किसका होगा पता नहीं, थोड़ी देर रुकते हैं, शायद कोई इसे लेने आ जाए। अरे जिसका भी है हमें क्या, चलो चलते हैं ना, इसे यहीं छोड़ दो, हमारे पास वैसे भी वक्त नहीं है। और तुम्हें तो जानवरों से बहुत प्यार है, और ये तुम्हें ही मिलना जरूरी था क्या? जानवरों से मुझे बहुत लगाव है, ये बात तुम्हें मालूम है। इसके लिए कोई नहीं आया, इसे मैं ही रख लेता हूँ, बहुत प्यारा है। ठीक है, जो करना है करो, वक्त बहुत हो गया है, पहले यहां से चलो, मुझे घर तक छोड़ दो और उसके बाद तुम अपने घर चले जाना। कबीर रमेश को उसके घर के पास छोड़कर जा रहा था। वो एक जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक रास्ते में एक बहुत बड़ा शेर आ गया। कबीर एकदम से कार रोक देता है। वो शेर को देखकर डर जाता है और हेल्प हेल्प कहकर चिल्लाता है। हेल्प हेल्प, कोई सहायता करो, हेल्प हेल्प, यहाँ शेर है, कोई सहायता करो, हेल्प हेल्प। कबीर के साथ जो कुत्ता कार में था वो बिना डरे अचानक से कार से बाहर आता है और एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है और भौंकने लगता है। इतने बड़े कुत्ते को देखकर शेर डर जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। शेर के जाते ही कुत्ता फिर से छोटा हो जाता है। अरे ये क्या था, ये सपना था या हकीकत? ये कुत्ता इतना बड़ा कैसे हो गया? ये कोई जादुई कुत्ता लगता है, जो भी हो इसने मुझे शेर से बचाया है। अगले दिन सुबह कबीर अपने दोस्त रमेश को सारी बात बताता है, लेकिन रमेश यकीन करना तो दूर, उस कुत्ते का मजाक उड़ाने लगता है। अरे तो सुबह सुबह सपने देखने लगा है क्या? वैसे भी तुझे इस कुत्ते का भूत सवार हुआ है। ये कहकर रमेश मन ही मन सोचता है, अरे इस कुत्ते को किसी ना किसी तरह तो कबीर से दूर करना ही होगा, मैं इस कुत्ते को एक कुतिया से मिला देता हूँ, तो ये कुत्ता कबीर को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाएगा। हाँ, ये सोचकर रमेश एक कुतिया को लाकर उसके पास बांध देता है, लेकिन वो कुत्ता उस कुतिया की तरफ देखता भी नहीं, कुतिया भी वहां से चली जाती है। एक दिन रमेश कबीर के घर में बैठा था कि अचानक चोर आकर कबीर और रमेश को खूब पीटते हैं और उनके सारे पैसे और गहने थैलियों में डालकर निकल रहे थे कि अचानक वो कुत्ता बड़ा हो जाता है और उन चोरों के ऊपर टूट पड़ता है। इतने बड़े कुत्ते को देखकर चोर डर जाते हैं और पैसों की थैली वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। ये सब देख रमेश आश्चर्यचकित होता है और मन में सोचता है, अरे ये तो कोई जादुई कुत्ता लगता है। और कबीर से कहता है, कबीर मुझे माफ कर दो, इस विश्व में जानवरों को मनुष्यों के साथ मिलकर रहना चाहिए, कुत्ता बहुत ही विश्वसनीय जानवर है, और इस कुत्ते के बारे में मैंने जो भी तुमसे गलत कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, अगर हम जानवरों की मदद करेंगे तो जानवर हमारी मदद करेंगे, अब से मैं भी जानवर पालूंगा। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जानवर प्यार के भूखे होते हैं और कुत्ता तो वैसे भी बहुत वफादार होता है। किसी ने सच ही कहा है कि आजकल इंसान नहीं कुत्ते ही वफादार रह गए हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। मिनी साइकिल चोर। गोरखपुर नाम के गांव में कबीर नाम का एक छिछोरा चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। कबीर एक दिन श्री कृष्ण का चित्र देखता है जिसमें श्री कृष्ण घोड़े के रथ पर बैठे थे।
कबीर के मन में ये चित्र देखकर आशा उठती है कि वो भी इस तरह के वाहन में घूमे। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घोड़े खरीद सके, इसलिए उसने मिनी साइकिल से उस तरह का वाहन बनाने की सोची। इसलिए वो छोटे बच्चों की साइकिल चुराने की ठान लेता है। एक बार छोटा बच्चा साइकिल चला रहा था कि कबीर उसके पास जाकर कहता है, हेलो बच्चे, तुम कितने क्यूट हो, तुम्हारी साइकिल भी बहुत अच्छी है, मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, क्या तुम अपनी साइकिल एक बार मुझे दोगे? ये कहकर बच्चे के पास से साइकिल छीनकर वहां से भाग जाता है। तब वो सोचता है कि इस तरह की 3-4 और साइकिल हो तो मैं श्री कृष्ण जैसा वाहन बना सकता हूँ। ये सोचकर वो दूसरी साइकिलों के बारे में सोचने लगता है। इतने में उसे ख्याल आता है कि उसके दोस्त के बेटे के पास भी साइकिल है और वो तुरंत वहां जाता है। क्यों यार, कैसे हो? तुमने अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी है ना, थोड़ा मुझे भी तो बताओ। वो बच्चों की साइकिल है, उससे तुम्हें क्या काम? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एक बार दिखाओ तो, मैं वैसे ही साइकिल खरीदना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ले जाओ। तुम वैसे ही साइकिल खरीदने के बाद मेरी साइकिल मुझे वापस कर देना। कबीर वो साइकिल लेकर वहां से चला जाता है। फिर भी उसे और साइकिल चाहिए थे। वो थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। फिर वो एक मिनी साइकिल बेचने वाली दुकान पर जाता है। हेलो भाई, मुझे एक मिनी साइकिल चाहिए, है क्या आपके पास? जी जरूर, ये देखिए, ये साइकिल बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, आप इसे ले जाइए। ठीक है, मैं इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाऊंगा। ये कोई कार या बाइक नहीं है जी, जो आप टेस्ट ड्राइव के लिए लेकर जाओगे। नहीं नहीं, मैं इसे एक बार टेस्ट ड्राइव पर ले जाऊंगा, इधर तो दीजिए। ये कहकर वो दुकानदार से मिनी साइकिल लेकर भाग जाता है। इस तरह उसके पास 3 साइकिल जमा हो जाते हैं। कबीर मन ही मन सोचता है, मेरे पास 3 साइकिल तो रेडी हैं। एक और मिल जाए तो मेरा वाहन तैयार हो जाएगा। उसके पड़ोसी के पास भी एक मिनी साइकिल थी। कबीर उसे भी रात को चुराने की चाल चलता है। उस रात वो दीवार कूदकर घर के बाहर रखी हुई साइकिल को खींचने की कोशिश करता है। वो साइकिल एक चैन से बंधी हुई थी। वो जोर से खींचता है और एकदम से उसके गिरने की आवाज सुनकर उस घर का मालिक नींद से जागता है और बाहर आकर, कौन है, कौन है वहां? म्याऊ, म्याऊ। कबीर बिल्ली की आवाज निकालता है। ये आवाज सुनकर घर का मालिक, अरे बिल्ली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर पास में ही पड़ा हुआ डिब्बा निकालकर कबीर की तरफ फेंकता है। वो डिब्बा जाकर कबीर के सर पर लगता है। कबीर दर्द के मारे म्याऊ म्याऊ कहकर साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। अब कबीर बहुत खुश था कि उसके पास पूरे 4 साइकिल हैं। वो उन साइकिलों को रस्सी से बांधकर उस रस्सी को एक रिक्शा से बांधता है और उन 4 साइकिल्स को अपने दोस्तों से चलवाकर वो खुद रिक्शा में बैठकर शंख फूंकते हुए सारे गांव में घूमता है। ये देखकर गांव वाले सोचते हैं कि कबीर पागल हो गया है। कबीर को देखकर कबीर का दोस्त रामनाथ मन ही मन सोचता है, लगता है कबीर को श्री कृष्ण का वाहन पसंद आया है, इसलिए वो साइकिल चोरी करते फिर रहा है। गांव वाले भी मिनी साइकिल कहकर कुछ नहीं कह रहे हैं। कबीर को किसी ना किसी तरह सबक सिखाना पड़ेगा। ये कहकर वो मन ही मन सोचता है, अरे कबीर, मेरे बेटे के लिए मैंने मिनी साइकिल खरीदी है, मैंने उसे बगीचे में रखा है, वो देखने में बहुत सुंदर है। अच्छा किया, बच्चों को कभी कभी सरप्राइज गिफ्ट देते रहना चाहिए, तुमने बहुत अच्छा किया, वो इससे बहुत खुश हो जाएगा। अब कबीर के मन में रामनाथ के बच्चे की साइकिल चुराने का ख्याल आता है और वो उसी रात रामनाथ के घर साइकिल चुराने चला जाता है। इस बात से वाकिफ रामनाथ पहले से ही साइकिल की सीट पर कील ठोक के रखता है। इस बात से अनजान कबीर साइकिल के पास जाता है। जैसे ही कबीर साइकिल के पास जाता है, रामनाथ अपने कुत्ते को कबीर के ऊपर छोड़ देता है। कुत्ता कबीर के पीछे पड़ता है
कबीर कुत्ते से बचने के लिए रात के अंधेरे में मिनी साइकिल पर चढ़कर बैठ जाता है और वो कील उसके पिछवाड़े में चुभ जाती हैं। दर्द के मारे कबीर चिल्ला भी नहीं सकता था, अगर चीख मारेगा तो कोई आ जाएगा। ये सोचकर दर्द के बारे म्याऊ म्याऊ करते हुए कुत्ते से बचते हुए वहां से साइकिल को वहीं छोड़कर भाग जाता है। अगले दिन रामनाथ कबीर की हालत के बारे में जानते हुए भी अनजान बनकर कबीर के घर जाता है। हेलो कबीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। रात को एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, छोटी चोटी लगी है। हाँ। अरे रे 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 रे, ये कैसे हो गया भाई? कबीर रामनाथ की इस साजिश को परख लेता है और समझ जाता है कि रामनाथ ने उसे सबक सिखाने के लिए ही ये सब किया है। ये सोचकर उस दिन से वो चोरियां करना छोड़ देता है और ईमानदारी से जीने लगता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।